Hello friends, I am Surendra, practicing advocate in Delhi. Welcome to your own YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे चेक बाउंसिंग के बारे में। चेक बाउंसिंग को हम सिंपल तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए यानी कि रवि जो कि यहाँ पर अक्यूज्ड है, बी यानी कि नेहा जो कि यहाँ पर कंप्लेनेंट है। अक्यूज्ड यानी दोषी, कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता। रवि ने नेहा को एक चेक दिया 1 लाख रुपए का। मान लीजिए 1 लाख रुपए का चेक दिया है। 1 लाख रुपए का चेक जो है नेहा अपने बैंक में डिपॉजिट करती है और वो चेक क्रेडिट होने के बजाय डिसऑनर हो जाता है या बाउंस हो जाता है, जिसको हम चेक बाउंसिंग भी बोलते हैं। अब ये चेक बाउंस होने के क्या रीजंस हो सकते हैं उसको समझना जरूरी है। चेक बाउंसिंग होने के रीजंस जो है जैसे इनसफिशिएंट फंड कि आप रवि के अकाउंट में 1 लाख रुपए अमाउंट ही नहीं था, उसकी वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया। दूसरा अकाउंट क्लोज, रवि ने जो चेक दिया था वो अकाउंट ही क्लोज हो गया है। तीसरा स्टॉप पेमेंट कि जो चेक था उस चेक के अगेंस्ट रवि ने जो पेमेंट ही स्टॉप करा दी थी, राइट। और सिग्नेचर डिफर, जो चेक के अंदर जो सिग्नेचर्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे। रवि ने हो सकता है जानबूझकर चेक पर सिग्नेचर डिफरेंट किया हो ताकि वो चेक ऑनरी ना हो। अब हम समझते हैं कि नेहा के पास क्या रेमेडीज है। उसके पास अगर उसको सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग का केस डालना है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। अब नेहा जो है विद इन 30 डेज, जिस दिन लास्ट टाइम वो चेक डिसऑनर हुआ है, विद इन 30 डेज नेहा नोटिस देगी रवि को कि आपने मुझे इस लायबिलिटी अगेंस्ट आपने मुझे चेक दिया था और ये चेक आपका जो है डिसऑनर हो गया है, इसलिए आप मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए। यहां पर समझना जरूरी है कि जो टाइम फ्रेम है उसको समझना बहुत जरूरी है। जो चेक है, चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है, यानी कि 1/1/2020 को अगर रवि ने चेक दिया है, यानी कि चेक पर जो डेट है वो 1/1/2020 है, तो उस चेक की जो वैलिडिटी होगी 3 महीने की होगी, यानी कि 31/3/2020 तक वो चेक वैलिड रहेगा। और उस चेक को नेहा कितनी बार भी अपने बैंक में प्रेजेंट कर सकती है उसके लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है, राइट। अब जब भी लास्ट टाइम जो चेक नेहा अपना बैंक में डिपॉजिट कराती है और उसके अगेंस्ट जो रिटर्न मेमो मिलता है, रिटर्न मेमो मेंशन होता है कि चेक जो आपका बैलेंस बाउंस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो जो लास्ट एक्नॉलेजमेंट होगी उस एक्नॉलेजमेंट से आप 30 दिन काउंट करेंगे और उस 30 दिन के अंदर वो लीगल नोटिस रवि को जाना चाहिए। रवि को लीगल नोटिस पहुंच गया, जिस दिन रवि को लीगल नोटिस पहुंचा डिलीवर हुआ उस दिन से लेकर 15 दिन तक रवि के पास वक्त है कि वो उस लीगल नोटिस के अगेंस्ट जो भी पेमेंट बनती थी वो नेहा को पे करेगा। अगर 15 दिन के अंदर रवि नहीं करता है तो 15वें दिन के बाद से 30 दिन के अंदर, राइट, 30 दिन के अंदर नेहा जो है उसको सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। और इस कंप्लेंट का जुडिशन क्या होगा, जहां पर नेहा का बैंक होगा, नेहा का बैंक के हिसाब से जो जुडिशन होगा उस जगह चेक बाउंसिंग का केस डाला जाएगा। अब मामला आ जाता है कोर्ट के अंदर, नेहा ने कंप्लेंट डाल दी, मामला आ गया कोर्ट के अंदर और कोर्ट में अब कोर्ट देखेगी कि कंप्लेंट में कितनी जान है, ठीक। अब कंप्लेंट अगर कंप्लेंट अच्छी है, कंप्लेंट सारे कंटेंट्स कवर करती है, ठीक, तो कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगी, संज्ञान लेगी उस कंप्लेंट का और प्रीसमनिंग एविडेंस कराएगी। ये चीज ये भी जरूरी है समझेगी कि जो कंप्लेंट है उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक लगेगा कंप्लेंट के साथ, ओरिजिनल रिटर्न मेमो लगेगा और जो आपने लीगल नोटिस भेजा है वो लगेगा, उसकी रिसीविंग लगेगी, एक्नॉलेजमेंट लगेगी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप अपना केस प्रूव करना चाहते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये आपका पूरा हो गया कंप्लेंट और कंप्लेंट में कॉग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, कॉग्निजेंस के बाद जो है कोर्ट ने प्रीसमनिंग एविडेंस कराया कंप्लेनेंट का। अब कोर्ट करेगी एक्यूज को समन। एक्यूज को समन करते वक्त बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि बहुत सारे जो चेक्स हैं वो इसलिए इश्यू किए जाते हैं कि वो ऑनरी ना हो और केवल झांसा देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए चेक इश्यूज किए जाते हैं, राइट। तो आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है
एक्यूज को समन सर्व कराने में। ठीक, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जब भी किसी से चेक रिसीव कर रहे हैं तो वो चेक रिसीव करते टाइम आप उस व्यक्ति का एड्रेस पूरी तरह से कंफर्म कर लीजिए, अगर अल्टरनेटिव एड्रेस है वो भी कंफर्म कर लीजिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर, राइट, ताकि समन की सर्विस कराने में आपको दिक्कत ना आए। ये बेसिकली जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और जो बहुत ज्यादा हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो चेक इश्यू करके वो गायब हो जाते हैं, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आप एक्यूज को समन हो गया, एक्यूज को समन होने के बाद वो कोर्ट के अंदर पेश होता है, पेश होने के बाद अब एक्यूज जो है आपका उस एक्यूज का बेल बॉन्ड उसको फर्निश करने पड़ेंगे। यहां पर पहली डेट में ही एक्यूज को अपने बेल बॉन्ड फर्निश करने पड़ते हैं श्योरिटी के साथ, और वो जो अमाउंट है श्योरिटी का, अमाउंट जो है बेल बॉन्ड का, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना अमाउंट जो है वो फर्निश उसको करना चाहिए बेल बॉन्ड के लिए, राइट। अब ये जो चेक जो अमाउंट है बेल बॉन्ड का, ये कोर्ट डिसाइड करती है चेक के अमाउंट के अकॉर्डिंगली। अब आपने एक्यूज ने बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया, यानी रवि ने बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया। बेल बॉन्ड फर्निश करने के बाद अब जो है कोर्ट नोटिस फ्रेम करती है। नोटिस फ्रेम करने में वो बेसिक क्वेश्चंस पूछती है कि जो चेक आपने दिया था क्यों दिया था, ठीक, आपके अगेंस्ट क्या क्या लाइबिलिटीज थी, ये बेसिक क्वेश्चंस कोर्ट जो है पूछती है। अब फाइनली आता है मैटर क्रॉस एग्जामिनेशन की। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है चेक बाउंसिंग केस का, क्योंकि ये एक केस बना भी सकती है और एक केस बिगाड़ भी सकती है। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चेक बाउंसिंग का, इसलिए बहुत बारीकी से कंप्लेनेंट को अपने केस के लिए और एक्यूज को अपने डिफेंस के लिए बहुत अच्छे से क्रॉस प्रिपेयर करना होता है। अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कहीं पे भी आपने चूक खाई तो हो सकता है अपना केस गवा सकते हैं, कंप्लेनेंट के पैसे डूब सकते हैं और एक्यूज के जो है एक्यूज को सजा भी मिल सकती है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट जो है एक्यूज को यहां पर नहीं है। तो यहां पर एक प्रोविजन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 145 क्लॉज 2 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसके अंदर एक्यूज को एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कि वो कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है। एक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट नहीं है, इसलिए 145 क्लॉज 2 में जो है वो एप्लीकेशन लगाता है, ठीक, और उस एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन आपकी अलाउ होती है। अलाउ होने के बाद आप कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो है एक्यूज की 313 सीआरपीसी में एक गवाही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। अगर वो खुद को भी एग्जामिन कराना चाहता है तो 315 सीआरपीसी के अंदर वो एप्लीकेशन लगा सकता है, राइट। अब फाइनल मैटर आ जाता है फाइनल आर्गुमेंट्स के ऊपर। फाइनल आर्गुमेंट्स में कोर्ट जो है दोनों पार्टीज की जिरह सुनेगी, आर्गुमेंट सुनेगी, और आर्गुमेंट सुनने के बाद वो फैसला करेगी। फैसले दो तरह से हो सकते हैं, या तो कोर्ट जो है उसको बरी कर देगा, एक्विट कर देगा, या तो फिर उसको कन्विक्ट कर देगा। कन्विक्ट कर देगा मीन्स उसको सजा सुना देगा। सजा सुनाने पर क्या होगा, सजा सुनाने पर उसको 2 साल तक की सजा, राइट, और 2 डबल अमाउंट जो चेक डिसऑनर हुआ है उसका डबल अमाउंट तक एक्यूज को पे करना पड़ सकता है। तो ये था हमारा चेक बाउंसिंग के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में, जो 2018 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। वो अमेंडमेंट्स बेसिकली जो है कंप्लेनेंट को इनिशियल स्टेज पर ही, ठीक, 20% कंपनसेशन अमाउंट, मान लीजिए अगर 1,00,000 का चेक अमाउंट है तो 20% यानी कि 20,000 रुपए कंप्लेनेंट को इनिशियल स्टेज पर ही एक्यूज से डायरेक्ट किए जाएंगे कि उसको वो पे करे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे, और उसको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और बड़े ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है, उसको प्लीज जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर एक्सपीरियंस एंड क्वेरीज एंड सजेशन। यू मे ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई कॉन्टेक्ट नंबर गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन एंड यू मे सेंड मी ईमेल एट ईमेल ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। And Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.